सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ कटिंग एंड टेलरिंग चल रहा है। इट्स एन अपस्किलिंग प्रोग्राम। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने पहले ही 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी और उसी ट्रेनिंग को हम फर्दर अपस्किलिंग ट्रेनिंग दे रहे थे। तो आज जो है हम यहाँ विज़िट करने आए हैं, एक मॉनिटरिंग विजिट चल रहा है जहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है और हमारे जो कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट सिडबीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो मुद्दा और मकसद यही है कि इन फीमेल्स को ट्रेन किया जाए सो दैट ये जो है रोज़गार अपने लिए भी फराहम करें और ये जॉब क्रिएटर्स बने, दूसरों के लिए भी जो है ये रोज़गार फराहम करे। तो उसी लिहाज से हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पे हमने जो है ट्रेनर्स भी एंगेज किए गए हैं जो डेली बेसिस पे इनको ट्रेन करते हैं। इन एडिशन टू दैट जो लिटरेसी प्रोग्राम है, जो इनको अडल्ट लिटरेसी दी जाती है, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी, वो भी फराहम की जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जिसने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जो हमने 25 लड़कियों के साथ बाजीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में किया और जहाँ पे इन्होंने स्टिचिंग और टेलरिंग की कोर्स किया पिछले 6 महीने में। और पिछले 6 महीनों में नवंबर से लेकर अभी तक इन्होंने काफ़ी काबिले तारीफ काम किया है जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है बनाना। और ये कोशिश है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ पार्टनरशिप की सिडबी की, जिसमें सिडबी चाहता है कि ये 25 की 25 लड़कियाँ अपना कुछ काम शुरू करें। और अपना काम शुरू करने के लिए हुनर जो है वो सबसे पहली चीज़ होती है। अब ये सभी लोग हुनरमंद हैं और हम ये चाहते हैं कि अपने हुनर को ये आमदनी में कैसे तब्दील करें। हम इस बात के भी शुक्रगुजार हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वाइस चांसलर साहिबा ने इसकी जब शुरुआत की 1 नवंबर को, तो उनका भी विज़न था कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये जो प्रोग्राम है एक मील का पत्थर साबित हो। और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ बांदीपुरा के लिए नहीं, कश्मीर के दूसरे ज़िलों के लिए भी एक मिसाल कायम करे कि कैसे हम कुछ नया काम सीख सकते हैं और उस काम को सीखने के बाद आमदनी का एक ज़रिया बना सकते हैं। पिछले 5 महीनों से काम चल रहा है तो अच्छी तरह सीख रहे हैं बच्चे और उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे आगे जाके इंशाल्लाह अपने खुद रोज़गार भी कमाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो अच्छी पहल है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो इनके फाइनेंसर हैं सिडबी, तो उनकी तो बहुत अच्छी कोशिश है। तो मैं चाहूँगा ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि सरकारी मुलाजमत तो नहीं मिल सकती है सबों को, लेकिन अब बच्चे जब खुद ही आप सीखेंगे, काम सीखेंगे तो आगे जाके ये खुद ही अपना रोज़गार भी कमा सकेंगे, बाकी दूसरों को भी सिखाएंगे और एक नई ट्रेंड शुरू हो जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी वालों का और यूनिवर्सिटी वालों का कि उन लोगों ने हमें यहाँ ये सेंटर दिया सीखने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर और कोई सेंटर आए हमारी तरह, हमारी और बहनों को भी रोज़गार कुछ मतलब हो जाए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जैसे कि कुछ लड़कियाँ फरद काम करती हैं, कुछ तिल काम करती हैं और कुछ टेलर का काम सीखती हैं, ऐसे ही अपने अपने काम सीखती हैं। कुछ ना कुछ हो मतलब कि कोई भी सेंटर आ जाए, जैसे कि यहाँ टेलर कटिंग सेंटर है, हम 25 लड़कियों ने सीखा, वैसे ही अगर फरद काम का होगा ऐसे ही हमारी तरह हमारी 25-30 बहनें और सीखेंगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे इस सेंटर की इंस्ट्रक्टर बनने का मौका दिया। और मैं चाहती हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोग्राम्स करे हमारे ऐसे इस इलाके में या दूसरे किसी इलाके में, ताकि सारी लड़कियाँ मतलब ये काम कर सके। और मैं चाहती हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से कि वो हमारे इस सेंटर में और कुछ काम हमें दे, तिला काम या फर्द का काम। मैं चाहती हूँ जैसे इन लड़कियों ने कटिंग टेलरिंग सीखी है वैसे ये और कोई काम भी सीखे।